नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके जो जीडीसी वैकेंसी है उसके अपडेट के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका जीडीसी वैकेंसी उसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड 2 वर्ष की योजना के बारे में बताया गया था कि आपकी 2026 है जहां तक 31/3/2026 तक है, उसमें कई प्रकार की अपडेट के बारे में बताया गया था। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा है, फिर इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों डाल दिया गया है। और इसके अंदर भी अगर आपके किसी भी प्रकार का कंफ्यूज रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, आइए हम देख लेते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपके जितने भी एग्जाम से संबंधित आपके कंफ्यूज है वो यहां से दूर हो सके। क्या होता है साथियों, आप वीडियो पूरा नहीं देख सकते और बीच में आप क्या करते हो, कमेंट करते हो हमको, या आपके फेक न्यूज है या आपके ऐसे समझ में नहीं आया ऐसे समझ, पूरी आपको अपडेट जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि तब ही आपको ये क्या होगा नोटिफिकेशन समझ में आएगा। तो मैं आपको हिंदी वर्जन की बात करूं, कई स्टूडेंट है जिनके इंग्लिश वर्जन में समझ में नहीं आया तो हम हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। ये आज ही लेटर जारी हुआ आपकी, ये आपकी डेट 4/3/2024 है लेकिन हिंदी वर्जन का है, वो दोनों एक साथ लेटर वो आज ही की डेट में जारी किया गया है। महाप्रबंधक कार्मिक सभी क्षेत्रीय रेलवे उत्पादक इकाइयां मानक सूची के अनुसार आपके रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और आरआरसी आपके जीडीसी वैकेंसी है वो कौन करा रहा है, आरआरसी करवा रहा है। क्या दिया गया, ग्रुप सी कोटियों में 25% शुद्ध सीधी भर्ती कोटा रिक्तियों को बढ़ने हेतु सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जीडीसी की अवधि 31/3/2026 तक बढ़ाना, ये पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहा है। कई स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम है वो 31/3/2026 को होगा, ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आप नोटिफिकेशन आराम से समझे, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। बोर्ड ने में कहा गया कि बोर्ड दिनांक 20/8/2093 के पत्र ENG आपके ब्रांड में PM 16 के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी योजना के पश्चात, मतलब इसने क्या कहा, 1 वर्ष की अवधि के, मतलब 1 वर्ष की अवधि के सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा योजना की शुरुआत के पश्चात, 1 वर्ष की अवधि थी उस शुरुआत की गई, इसकी अवधि को समय समय पर बढ़ाया जा रहा है, इसकी अवधि को समय समय पर क्यों बढ़ाया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और अंतिम बार इस मंत्रालय के दिनांक 10/1/2023 के पत्र ई तक 31/3/2024 तक बढ़ाया गया था, मतलब ये आपके 10/1/2022 के अनुसार इस वैकेंसी को 31/3/2024 तक बढ़ाकर ये क्या करवाए गए थे, फॉर्म फिल करवाए गए थे, एक साथ सभी जोन के एक साथ फॉर्म फिल करवाए गए थे। लेकिन बोर्ड द्वारा योजना की अवधि को आगे बढ़ाने से संबंधित मामले पर विचार किया गया, बोर्ड ने क्या कहा, योजना की अवधि, मतलब आप यहां से समझ पा रहे हो, योजना की अवधि है ये, इसका एग्जाम डेट नहीं है, कई स्टूडेंट इसको एग्जाम डेट मान रहे हैं, एग्जाम डेट नहीं है ये, योजना की अवधि को आगे बढ़ाने से संबंधित मामले पर विचार किया गया और सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा योजना की अवधि, देखिए योजना की अवधि को आगे 2 वर्ष की अवधि अर्थात 31/3/2026 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि जो पोस्ट है कि हम कितनी पोस्ट आपको दी जाएगी, इंक्रीज की जाएगी, वो की जाएगी 31/3/2026 तक, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम 31/3/2026 तक या पूरी भर्ती प्रक्रिया 31/3/2026 तक चलेगी, ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है। ये नोटिफिकेशन यही कहता है कि जो हम जिस लेवल पे या जितनी पोस्ट पे वैकेंसी करवाते हैं वो वैकेंसी 31/3/2026 तक हम वैकेंसी ले रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है वो जारी की जाएगी। यहाँ पे एग्जाम का ऐसा कोई आपको डेट नहीं दी गई है, ना आपको ये दिया गया है कि आपको ये 31/3/2026 तक जीडीसी चलेगी। जो आपकी जीडीसी की वैकेंसी है वो जल्द ही, जैसे ही जितने जोन के द्वारा फॉर्म फिल करवाएंगे तुरंत आपके एग्जाम से संबंधित वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट भी दी जाएगी तुरंत। तो साथियों, ये जो आपके जितने भी कैंडिडेट है उनके कंफ्यूज हो रहा है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दे ताकि उनके ये कंफ्यूज है वो कंफ्यूज ना रहे। दोबारा मैं आपको बता दूं, योजना की अवधि, योजना की अवधि का मतलब इस 31/3/2026 तक यही जीडीसी है, इसी की पोस्ट रहेगी, उसके बाद में अगर कोई आपको नई पोस्ट क्रिएट होगी तो वो 31/3/2026 के बाद होगी और उसके बाद नेक्स्ट है जो कि आपको रिक्वायरमेंट दिया जाएगा। ये अभी तक जितनी भी पोस्ट है, जैसे आपको एएलपी में आपको 180 पोस्ट दे दी, तो इसका मतलब अब जीडीसी की वैकेंसी है वो 31/3/2026 तक ये एएलपी की वैकेंसी नहीं आएगी, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आपका हिंदी का नोटिफिकेशन है, मैं आपको इंग्लिश का नोटिफिकेशन भी दिखा दूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन संजय कुमार उपनिदेशक अराजपत्रित रेलवे बोर्ड का है जिसके आपको सिग्नेचर यहाँ पे दिए गए, ईमेल आपको दी गई है, फोन नंबर यहाँ पे दिया गया है।
और आप इंग्लिश का नोटिफिकेशन देख सकते हो, आपको नई दिल्ली के द्वारा लेटर जारी है, किस किस को ये देना है, कितनी रिक्तियां, ये आपको बात कही गई है। यहाँ पे हम बात करें, ये आपका इंग्लिश का नोटिफिकेशन, तो ये तो आप नोटिफिकेशन का पिछले भी वीडियो बना दिया था, लेकिन कई कैंडिडेट के ये समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनके यहाँ से कंफ्यूज वो क्लियर हो गए। और जो साथी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट है आप तक पहुंचती रहे और आपके किसी भी प्रकार का कंफ्यूज हो वो इस चैनल के माध्यम से आपको दूर किया जा सके। साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ये आप देख सकते हो आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में।